बात है। इसकी मैंने इससे पहले हफ्ते में कुछ मिसालें भी दी थी कि हर शख्स जो है अपने माहौल के अखबार से एक नीकी का तस्वीर बना लेता है और समझता है कि बस यही नीकी है और मैं तो ये काम कर रहा हूँ, ये बहुत सवाब का काम है। उसके अलावा चाहे कितना ही बड़ा अमल हो वो उसको नेकी नहीं समझता या वो उसको उस दर्जे का अमल नहीं समझता जिस दर्जे का उसने अपने दिल के अंदर बिठा रखा। चाहे उसकी जिंदगी कितनी ही खराब जिंदगी हो या कितनी ही नाफरमानी वाली जिंदगी हो, लेकिन वो अपने दिल को मुतमइन करने के लिए किसी अपने किसी एक अमल को कहता है कि ये बहुत अच्छा अमल है और उसने दिल को मुतमइन करने के लिए अपने दिल के अंदर ये बात उठा रखी होती है कि ये भी बहुत नेकी का काम है और ये भी बहुत सवाब का काम है। मतलब कोई शख्स मामला के अतबार खराब है लेकिन वो अपनी रस्मी आदत की वजह से या माहौल की वजह से नमाज पढ़ रहा है तो वो ये दिल में ये बात बिठाता है कि अगर मेरे मामला अच्छे नहीं है लेकिन मैं अल्लाह का तो दिन में पांच दफा याद करता हूँ, या उसके जाहिरी अमाल अच्छे नहीं है लेकिन वो सच मानता है, वो वादों को पूरा करता है, तो वो अपने दिल को मुतमइन करने के लिए कहता है कि अगर से मैं जाहिरी तौर पर मेरे अमाल अच्छे नहीं है, मैं दाढ़ी नहीं रखता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं टोपी नहीं लगाता, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं झूठ भी नहीं बोलता और मैं यूं भी नहीं करता, मैं किसी को धोखा भी नहीं देता, वो अपने दिल को मुतमइन करता है, वो अपने दिल को मुतमइन करता है क्योंकि हदीस में है कि दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है, वो बेचैन होता है जब उसको जो है नेकी की तरफ नहीं लेकर जाया जाता और उसको जो है अल्लाह के कहते हैं कि जिस्म की रूह जिस तरह से गिजा है इसी तरीके से रूह की गिजा जो है जिस्म की गिजा जो है जो हम जाहिरी तौर पर खाते हैं वो चीजें हैं उससे जिस्म ताकतवर होता है, रूह की गिजा जो है अमाल होते हैं, नेक अमाल, जब रूह को वो नेक अमाल नहीं मिलते तो रूह बेचैन होती है, उस बेचैनी को खत्म करने के लिए वो एक तसव्वुर दिल के अंदर बिठाता है कि ये भी नेकी का काम है और ये भी बहुत अच्छा काम है। तो इस आयत में उस तसव्वुर को और उस खाम ख्याली को खत्म करने के लिए फरमा रहे हैं कि लैसल बिर्रु तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक वल मग़रिब, कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक की तरफ कर लो मग़रिब की तरफ कर लो, क्योंकि जिस जमाने में यह आयत नाज़िल हुई उस जमाने में यहूद व नसारा मुसलमानों के मुकाबले थे और वो तौरात और इंजील के वो बड़े बड़े अहकाम जो अल्लाह की तरफ लेकर आने वाले थे, अल्लाह के रास्ते की तरफ इनावत वाले थे, इताअत वाले थे, उन सारे अमल को नजरअंदाज करके कहते थे कि नहीं नेकी तो यह है कि तुम चेहरे को जो है मशरिक की तरफ करो, कोई ज्यादा नहीं, नेकी तो यह है कि चेहरे को जो है बैतुल मक़दिस की तरफ करो, इसकी तरफ करो कि मग़रिब की तरफ करो मशरिक की तरफ करो, कि नेकी तो ये है और सारा मामला और सारा हंगामा इसी बात के ऊपर था कि जो ये करेगा वो नेक है, जो ये नहीं करेगा वो नेक नहीं है। हमारे माशरे में भी छोटे छोटे अमान को इतनी अहमियत दे दी जाती है कि सारे झगड़े उन्हीं अमान के ऊपर होते हैं कि अगर कोई रफ़ अदब कर रहा है तो वो सही है, अगर कोई रफ़ अदब नहीं कर रहा तो वो सबसे बड़ा गुनहगार है, या किसी ने नियत यहाँ मान ली तो वो काफिर हो गया, या उसने नियत यहाँ मान ली तो वो मुसलमान हो गया। हालांकि ये सब अमान बहुत छोटे दर्जे के हैं, उससे बड़ा अमल ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, जैसे ईमान लाने का हक है कि छोटे छोटे अमल जिनकी इस्लाम ने तरदीद दी है, जिनकी इस्लाम ने तरदीद दी है, जिन पर अजर और सवाब के वादे हैं लेकिन हकीकत ईमान को नहीं है, हकीकत ईमान वो नहीं है, जैसे कि शायद हम फरमा रहे थे नहीं कि सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने चेहरे को मशरिक की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ कर लो, लेकिन नेकी यह है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का हक। इसलिए मैंने पिछले तफसीर में भी बयान किया था, पिछले हफ्ते भी बयान किया था कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का हक ये कि अल्लाह को की वहदानियत के ऊपर का इकरार करना, अल्लाह की रज़ाकियत के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह की खालिकियत के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह की कुदरत के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के फ़ाल की ईमान ईद होने पर ईमान लाना, हकीकत ईमान
कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि मेरे नफे नुकसान का मालिक वो है, नफा होगा तो उसकी दाद से होगा, नुकसान होगा तो उसकी दाद से होगा, कामयाबी होगी तो उसके हुक्म के चलने की बुनियाद पर होगी, नाकामी होगी तो उसके हुक्म की मुखालफत की बुनियाद पर होगी। आमन्ना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना, कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और कुरान के अल्लाह के सामने खड़े होकर इन चीजों का जवाब देना है कि ये तो जिंदगी दी गई, तो जिंदगी को कहाँ खर्च किया, मान दिया था, कहाँ लगाया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, देन दिया था तो उस देन पर कितना अमल किया, जवानी दी थी उस जवानी पर उस जवानी को कैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। ये सवाल होंगे और हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है, एक एक चीज का जवाब देना है कि हमने फमई आमल में सवाल अल्लाह से खैर नहीं मिला, कि हम अगर जरा सा भी हमने नेक अमल किया होगा वो भी हम वहां देख लेंगे और जरा सा भी हमने वहां कोई बुराई की होगी वो भी देखेंगे, कोई चीज वहां छुपी भी नहीं होगी कि जिसके उस दिन जिसके नामाए अमाल सीधा हाथ में दे दिया जाएगा वो कामयाब हो जाएगा और जिसका नामाए अमाल उसके पीछे से उसके दाएं बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा वो नाकाम हो जाएगा। वल मलाइकति, और अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, ये फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना ये भी इतना ही जरूरी है जैसे कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना। अगर हम अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो गोया कि हमारे जहन के अंदर ये इश्काल पैदा हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला कैसे बंदों की रहनुमाई करता है, कैसे उलमा कहते हैं कि आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई करता है, कि अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वार्ता है फरिश्ते, जो अल्लाह की मखलूक है, नेक मखलूक है, जो अल्लाह के हुकुम से पैदा हुई भी है, जो दर्रा बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती, कि उस मखलूक के जरिए अल्लाह तबारक तआला वही भेजते हैं। वल किताबी, और अल्लाह की किताबों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह ने तौरात ज़बूर इंजील कुरान करीम बंदों की रहनुमाई के लिए नाजिल की, ये जो 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 इन किताबों में अहकाम हैं वो अहकाम की बुनियाद पर बंदा उन अहकाम को करने के कामों को करता है और ना करने के कामों से बचता है तो वो कामयाब कहलाता है, वो कामयाब कहलाता है। वन नबी, और अल्लाह के भेजे हुए बरकतदीदा बंदों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना और रिसालत आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर, ये फरिश्तों के ऊपर के नबियों के ऊपर ईमान लाना। अपने जैसा हम उम्मत मुहम्मदिया में है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर ईमान लाना, और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए हैं उन सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लाना, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरकतदीदा बंदे थे और मुंतखब बंदे थे, उनके पास वही आती थी और उनकी उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी था। ऐसे ही अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ बरकतदीदा बंदों को भेजा है, उन सबके ऊपर ईमान लाना, जिनका जिक्र कुरान करीम में है उनके ऊपर भी ईमान लाना, और जिनका जिक्र इजमानन फरमाया गया कि सारे अंबिया, तो सारे अंबिया के ऊपर ईमान लाना, सारे अंबिया के ऊपर ईमान लाना। وآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, ये मफ़हूम बदला है, जुमला बदला है इस आयत का, कि एक नेकी का एक पहलू तो ये है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों के ऊपर ईमान लाना और नबियों पर ईमान लाना, और नेकी ये है कि अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करना, वो आदत माना अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करना, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, ये भी मफ़हूम हो सकता है कि अल्लाह की मोहब्बत में वो पसंदीदा माल, वो महबूब माल जो मैंने बड़ी मेहनत से उन
पसीना एक करके रात एक करके कमाया था अल्लाह की मोहब्बत में, मैं उसको कुर्बान करता हूँ अल्लाह की मोहब्बत में, मैं उसको रह देता हूँ अल्लाह के रास्ते में। ये भी मफहूम हो सकता है। दूसरा मफहूम यह है कि माल की ताकत के बावजूद, माल की मोहब्बत के बावजूद कि वो अजीज माल, वो महबूब माल जो मेरे नजदीक बड़ा महबूब था, बड़ा अजीज था, उसको उसकी मोहब्बत के बावजूद अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करना, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना एक मफहूम ये भी हो सकता है। जो इंसान नजदीक ज्यादा महबूब है उस चीज को खर्च करना अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है, नेकी का आलम है या है। इस आयत की तफसीर में मुख्तलिफ सहाबा से मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि किसी को फना बाप महबूब था तो उसने इस आयत के नाजिल होने के बाद वही बाप अल्लाह के रास्ते में सस्ता किया, किसी को मीठा महबूब था तो उसने मीठे को महबूब खर्च अल्लाह के रास्ते में जो है खर्च किया। बल्कि एक आलिम ने तो यहां तक लिखा कि उन्हें चीनी महबूब थी तो चीनी को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया इस आयत की फजीलत को हासिल करने के लिए, इस आयत की फजीलत को हासिल करने के लिए। और अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे पसंदीदा खर्च कौन सा है, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल सबका कौन सा है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो मेहनत करके इंसान कमाए और अपने किसी कमजोर रिश्तेदार को दे जिसके दिल में उसके खिलाफ अदावत थी, ऐसे रिश्तेदार को देना सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई मजदूर, जो कोई मेहनत करने वाला कोई माल कमाए और अपने किसी अजीज रिश्तेदार को, ऐसे अजीज रिश्तेदार को जिसके दिल में उसके खिलाफ अदावत थी, जो उसके खिलाफ साजिशें करता था, उस रिश्तेदार को देना सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह के। खर्च करने के एतबार से सबसे पहले कुरान की आयत में भी वह आदर माल आला मुतीन दबिल कुर्बा, दबिल कुर्बा से मुराद यही है कि अजीज रिश्तेदार महरम लोग के ऊपर खर्च करना यह अल्लाह के नजदीक नेकी का काम है। इंसान अगर मालदार है और वो अपने 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 खर्चों के अलावा उसके पास माल बच रहा है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने अजीज रिश्तेदारों की रहमी करे, अजीज रिश्तेदारों के साथ की रहमी करे, तलाश करे कि मेरे करीबी रिश्तेदारों में से सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारों में से कौन है, मसलन माँ बाप है तो माँ बाप के ऊपर सबसे पहले खर्च करे, सबसे पहला हक माँ बाप का है, सबसे करीबी माँ बाप है। फिर ऐसे औलाद जो अभी नाबालिग है उसके ऊपर खर्च करें, यह बालिग औलाद जो मातूर है नहीं कमा सकती उसके ऊपर खर्च करें। फिर रिश्तेदार बढ़ेंगे हैं, बुबीदार बढ़ेंगे हैं, बुबीदार रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार हैं, इसी तरीके से दायरा बढ़ता चला जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार जो होगा वो सबसे ज्यादा उसको देने में सवाल मिलेगा। वह आतल ना लाना कुट्टी की दबी कुर्बा वल यदा नाम, और यतीमों पर खर्च करे, यतीमों पर खर्च करे कि वो नादार बच्चे कि जिनके वालदेन जो है वफात पा गए, उनका कोई कफील नहीं है, उनका कोई सरप्रस्त नहीं है, तो ऐसे रिश्तेदारों ऐसे बच्चों के ऊपर खर्च करना सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी, सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों के ऊपर खर्च करना, वल मसाकीन और मिस्किनों के ऊपर खर्च करना, नादारों के ऊपर खर्च करना, वक्फ सबील और वक्फ सबील से मुराद मुसाफिर है कि वो शख्स जो हालत सफर की वजह से नादारी की हालत में पहुंच गया, हालांकि अपने मकाम के एतबार से वो साहिब हैसियत है
उसके पास भूख मात्र दौलत है, लेकिन सफर की वजह से, सफर की परेशानियों की वजह से वो नादारी की हालत में पहुंच गया, तो उसको वहां पर देना, उसको वहां पर देना, चाहे वो अपने इलाके में अपने घर पर कितने ही मालदार हो, लेकिन उस हालत की वजह से उसको वहां देना ये इसका हक है, ये इसका हक है। वसाइलीना और सवाल करने वालों को देना, यहां मसाकीन से अलग, मसाकीन के बाद अलग से दोबारा दूसरा जुमला फरमाया वसाइलीन, सवाल करने वाले। अगर कोई अपनी हाजत रख रहा है, अपनी जरूरत पेश कर रहा है, उसके सिलसिले में उसको देना, ये शरीयत ने हक बताया, कुरान करीम ने हक बताया उसका। और मुफस्सिरीन ने बड़ी अच्छी बात इस सिलसिले में लिखी कि साइलीन के सिलसिले में ज्यादा तहकीक भी नहीं करनी चाहिए कि जरूरतमंद है भी या नहीं है, मोहताज है भी या नहीं है, ये जो जरूरत अपने सामने रख रहा है ये जरूरत हकीकत है भी या नहीं है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब उसने सवाल कर लिया, अब वो अपने सवाल करने की बुनियाद पर खुद उस चीज का जिम्मेदार है, अपने सवाल करने की बुनियाद पर वो खुद उस चीज का जिम्मेदार है। अगर वो सच्चा है तो ठीक है, अगर वो गलत है, झूठ बोला है, तो उसे उसके झूठ का और उसके धोखे का उसको गुना मिलेगा, देने वाले को अजर मिलेगा, देने वाले को अजर मिलेगा। और अगर वो मुस्तहिक, अगर मुझसे सवाल कर रहा है, मेरे पास इस वक्त हाजत ऐसी नहीं है, मेरे पास मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दे सकूं, अच्छे अंदाज में मालूम कर लेना, अच्छे अंदाज में मालूम कर लेना, ये नहीं है कि उसको झगड़ा किया जाए, उसको बुरा भला कह दिया जाए, उसको जो है समझाने की कोशिश करी जाए कि भाई ऐसे सवाल नहीं किया करते, आप इस चीज की जिम्मेदार नहीं है। और फिर रिका और गुलामों की आजादी में खर्च करना, गुलामों की आजादी में जिस वक्त कुरान करीम नाज़िल हुआ उस वक्त गुलाम और कामियों का रिवाज था, फिर हल्के हल्के करके ये रिवाज खत्म हुआ, तो अब भी इसका एक मतलब मौजूद है। हकीकत तो लोग कुरान मौजूद नहीं है, कुरान बातियां मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो जेलों में बंद हैं, गुलामों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें खर्च करने का भी वही सवाल है जो अपने निकाब को खर्च करने में है। या कोई ऐसा शख्स जिसने सूद ले रखा है, उसका सारा माल, सारा घर, सारी चीजें आगे पर रखी हुई है, रहन के तौर पर रखी हुई है, कि वो बेचारा गुलाम वाली जिंदगी गुजार रहा है, घर भी उसका रहन रखा हुआ है, जमीन भी उसकी रहन रखी हुई है, कि अगर वो सूद नहीं अदा करेगा तो सारी चीजें उसकी चली जाएंगी, और वो गुलामी वाली जिंदगी गुजार रहा है, बंदिश वाली जिंदगी गुजार रहा है, इन चीजों में खर्च करना भी, इन चीजों में खर्च करने का भी वही सवाल है जो अपने निकाब में खर्च करने का। अल्लाह तबारक व तआला ने